अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को होने वाले किसान संगठनों के ट्रैक्टर परेड में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता ट्रैक्टर रैली में किसानों का साथ देंगे। बठिंडा पहुंचे सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र को नए कृषि कानून अब रद्द करना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल पहले दिन से ही नए कृषि कानूनों के विरोध में है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर किसानों को सिर्फ गुमराह कर रही है और इन बैठकों का कोई हल नहीं निकला है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे को गंभीर से नहीं ले रही है। तो एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केंद्र किसानों के मुद्दे पर गंभीरता से नहीं ले रही है। सेंटर सरकार सीरियस नहीं है, उसका इंटेंशन ठीक नहीं है। जे इंटेंशन ठीक होती तो 8 मीटिंग करने की लोड़ ही नहीं। बड़ा सौखा काम है, किसान नहीं चाहते है तुसी वापस ले लो, पर तुसी इन्नी रोज दूजे दिन कल मीटिंग परसों मीटिंग चौथी तो मीटिंग शाम को लोगों को आसा हो जाए फिर चले जाते बेचारे। तो लोग हज़ारा किसान ठंड च बैठे मतलब तकरीबन 100 के नेड़े शहीद हो गए है। किन्ने परिवार तुसी उन्होंने औखा करी जाने हो, किन्ने लोगों को औखा करी जाने। किसान जो अपना हैगा परेड में साढ़े सारे वर्कर पार्टिसिपेट कर रहे, मैं सारे वर्करां की ड्यूटी लाई है कि वह पीसफुल परेड 26 जनवरी कर रहे हैं। तो सारी श्रोमणी अकाली दल के वर्कर वड्डे पद्धर से इस दौरान पंजाब में नगर काउंसिल चुनाव को लेकर भी सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, कैप्टन सरकार नगर निगम चुनाव के में घपला कराना चाहती है। तो कैप्टन सरकार पर भी जो निशाना साधते हुए नजर आए सुखबीर सिंह बादल। कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार ने 4 साल पंजाबियों के बर्बाद कर दिते। शहर कमेटियां च 1 रुपया नहीं आया, जिथे डिवेलपमेंट असी छड़ के गए सी उत्थी रह गई है। आ कांग्रेस की सोच है धक्का करना, कांग्रेस की सोच है। सारे MLA कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस रिजेक्ट करा के असी अपने कैंडिडेट को जिता दी।